Nurturing excellence. Hello students, good evening to everyone. Welcome to the YouTube channel of Abacus Academy. So today we will cover previous year paper of Rajshri Military School. Okay, so first of all I want to tell ki maine 2021 2020 19 18 and 2017 के पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं. यू कैन वॉच दीज वीडियोज ऑन आवर यूट्यूब चैनल. ओके, दैट इज नेम्ड अबेकस एकेडमी. ओके, एंड आई विल अश्योर यू दीज वीडियोज विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2017 और 16. ओके, so let's start our paper. So dekho first question, which animal never stops growing? Kya question hai? Which animal never stops growing? To kaun sa channel hai jo kya kaun sa animal hai jo kabhi bhi rukna kabhi bhi grow karna band nahi karta? Batao kaun sa aayega isme. The options are giraffe, snake, crocodile and the blue whale. Let me know what is the answer of this question. You have four options and this is our previous year question. Okay, so let me know the answer of this question. So the answer will be option B, that is snake. Okay, snake is the indeterminate growers section of animals. Okay, जो animals होते हैं जो कभी रुकना stop नहीं करते उनका एक अलग section होता है, that is इनडिटर्मिनेट ग्रोवर्स. ओके, जिनका अपने को नहीं पता वो कितने डिटर्मिनेट नहीं है अपने को, इनडिटर्मिनेट ग्रोवर्स. ठीक है, और इनके अंदर कौन कौन आते हैं? सो दिस कंटेन्स मोस्टली लिजर्ड्स एंड एम्फीबियंस एंड कोरल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर तो, और नीचे क्वेश्चन आपको मिलेगा कौन सा, जो अब की बार क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज पेपर में नहीं आते, तो आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और उनके जो बहुत ही अप्रोक्स क्वेश्चन आ सकते हैं उनके आसपास वाले. ठीक है, तो एनिमल, तो ये देखो एनिमल विथ थ्री चैम्बर्ड हर्ट, तो बताओ कौन सा एनिमल है जो क्या है थ्री चैम्बर्ड हर्ट है, जिसके जिसके तीन चैम्बर से हर्ट में. सो इट इज सेलेमेंडर. ओके, सेलेमेंडर इज द एनिमल विच हैज थ्री चैम्बर्ड हर्ट एंड ह्यूमन बींग्स हैव ह्यूमन बींग्स के फोर चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, फोर चैम्बर्स होते हैं हर्ट में, ह्यूमन बींग्स हर्ट है फोर चैम्बर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल विच रेस्पायर थ्रू स्किन, तो कौन सा एनिमल है जो स्किन के थ्रू रेस्पायर रेस्पिरेशन करता है? सो इट इज फ्रॉग. ओके, नेक्स्ट, बैट फॉल्स इन विच कैटेगरी, तो बैट जो होती है, बैट मतलब जानते हो ना जो रात को उड़ती है बहुत, उनको बोलते हैं बैट. ओके, तो वो कौन से कैटेगरी में आती है? तो वो आती है मैमल्स की कैटेगरी में. नेक्स्ट, लार्जेस्ट मैमल, लार्जेस्ट मैमल इज ब्लू व्हेल. बर्ड दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड इज ह्यूमिंग बर्ड. ठीक है, आगे देखो, कैल्विन इज अ यूनिट रिलेटेड टू, तो कैल्विन इज रिलेटेड टू, कैल्विन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ यूनिट, और किसका यूनिट है? इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन सी, temperature will be the answer. Okay, next, candela is a unit of, it is a temperature. Okay, kya hai ye temperature, option c, candela is a unit of, to candela kiska unit hai? To candela is a unit of luminous intensity. Theek hai, luminous intensity. नेक्स्ट,
What is the unit of mass? So unit of mass is gram or kilogram. ठीक है. नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन. तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर किसमें करते हैं? उसको मेजर करते हैं पास्कल में. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो काम में आता है वो है बैरोमीटर. ओके. नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द मर्करी थर्मोमीटर? जो थर्मोमीटर होता है, मर्करी थर्मोमीटर इज इन्वेंटेड बाय डैनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट डिस्कवर्ड मर्करी थर्मोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओरिगामी? तो ओरिगामी क्या है? तो ओरिगामी इज एन आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग. ऑप्शन ए, आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग. इसमें क्या होता है ना, इफ यू नो यू मेक्स द एरोप्लेन ऑफ पेपर, यू मेक्स अ फ्लावर ऑफ पेपर, यू मेक सम शिप, दिस इज नोन एज ओरिगामी, दैट इज आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज पश्मीना? तो पश्मीना क्या है बताओ? सो पश्मीना इज अ ब्रीड ऑफ गोट ऑफ कश्मीर फेमस फॉर वूल. ठीक है, इट इज अ गोट ऑफ कश्मीर फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी वूल. हाई क्वालिटी वूल. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज टच मी नॉट? टच मी नॉट क्या है? इट इज एन प्लांट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं छुई मुई. ठीक है, तो इन हिंदी इट इज नोन एज छुई मुई. नेक्स्ट, मतलब टच में नॉट मतलब जब इसके अपन टच करते हैं ना, तो देन इसके जो लीव्स होते हैं, इसके लीव्स क्या करते हैं ना, अपने आप ही बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल टच में हो जाते हैं, अपने पास पास में हो जाते हैं ना खुद की आपस में. दैट्स व्हाई इट्स नॉन एज छुई मुई और टच मी नॉट प्लांट. नेक्स्ट, इंसेक्टिवर्स प्लांट. सॉरी, सो इंसेक्टिवर्स प्लांट इज द प्लांट That eats insects. Okay. Example is pitcher plant. ठीक है. Next, who wrote national anthem of Bangladesh? तो बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. रविंद्रनाथ टैगोर. इसी के साथ में रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा था. ठीक है, आवर नेशनल एंथम. नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन. ठीक है, जन गण मन. ठीक है. नेक्स्ट देखो अगला, इन विच सिटी डिड द फर्स्ट मेट्रो रेलवे सिस्टम बिगिन? तो इट इज बिगिन्स इन कोलकाता. कोलकाता. ठीक है, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन रन? तो फर्स्ट ट्रेन रन इन मुंबई एंड द स्टेशन वॉज बॉम्बे टू ठाणे. ओके, ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. नेक्स्ट, विच कंट्री टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक? Which country first? Which country is the first to host modern Olympic? ठीक है. Which country first host modern Olympic is the Greece? ठीक है. Next, first country to give. हाँ देखो यही था, first country to host modern Olympic. First की जरूरत नहीं है. तो first country to host modern Olympics Greece. Next, first country to give women's voting right is न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है. नेक्स्ट, विच सिटी इज क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? इट इज इंदौर, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया.
इन मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स मुंबई, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी के जनक या होम्योपैथी के पिता किसे कहा जाता है? सो द आंसर विल बी सैमुअल हैनेमान, ऑप्शन बी। यहां दे रखा है इस ओनली हैनेमान, फुल नेम इज सैमुअल हैनेमान। ओके, नेक्स्ट, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। ओके, द नेक्स्ट, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स इज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। नेक्स्ट, हुम डिड ब्रिटिशर्स यूज टू कॉल फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? सो ही वॉज बाल गंगाधर तिलक। ओके, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिशर्स ने बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जिसपे बाल गंगाधर तिलक गॉट एंग्री। ओके, देन फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कौन थे? राजा राममोहन रॉय। ठीक है, द नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन? तो फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट डज तंजोर पेंटिंग बिलोंग टू? सो तंजोर पेंटिंग, ठीक है, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, ऑप्शन बी। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग्स बिलोंग्स टू, सो मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग बिलोंग्स टू बिहार। ठीक है, फिर वर्ली पेंटिंग्स बिलोंग्स टू विच स्टेट? इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ठीक है, देन व्हाट इज पिचवई? तो पिचवई क्या है? इट इज अ पेंटिंग। ठीक है, पिचवई इज अ पेंटिंग, इसका क्या होता है ना, इसको पेंट किया जाता है क्लोथ के ऊपर, पेंटिंग ऑन क्लोथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर स्टाइल इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ? नागर स्टाइल इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर नागर स्टाइल चलती है। ठीक है, आर्टिफिशियल स्टाइल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, किमोनो इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच कंट्री? तो किमोनो इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान। ठीक है, नाउ वी हैव सम मोर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, दैट इज विशायवांका, विशायवांका इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, सराफन एंड पोनेवा इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ रशिया, गो एंड कीरा इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ भूटान। एंड आई थिंक यू नोज अबाउट दिस, साड़ीज एंड धोतीज दैट इज ऑफ इंडिया, आवर कंट्री भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेयर इज सेंट पीटर चर्च लोकेटेड? तो सेंट पीटर चर्च इज लोकेटेड इन वेटिकन, वेटिकन सिटी। ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट सिटी, सॉरी, इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो ये रहा स्मॉलेस्ट सिटी, यहाँ पे आएगा स्मॉलेस्ट कंट्री, सो इट इज वेटिकन सिटी, बहुत ही छोटी कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट, अंगकोर वट, अंगकोर वट इज द टेम्पल, इज द टेम्पल इन कैम्बोडिया, एंड वाई इट इज फेमस? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड। अंगकोर वट क्या है?
largest religious monument in the world. Okay, next, Brahma Temple is in Pushkar. ठीक है, इट इज द ओनली टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया के अंदर एक ही टेम्पल है ब्रह्मा जी का, दैट इज इन पुष्कर. और पुष्कर कहाँ लोकेटेड है? इन राजस्थान, पुष्कर अजमेर राजस्थान. ओके, नाउ व्हाट, ये क्या है? मस्जिद अल हरम. देखो, मस्जिद अल हरम इज द ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ मक्का. ठीक है, दैट इज इन सऊदी अरेबिया. मॉस्क जो बहुत फेमस है फॉर मुस्लिम रिलीजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज रिटन बाय ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, जे एल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इट वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर इज रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड ग्रेट साइंटिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सॉरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट, मालगुडी डेज, तो मालगुडी डेज इज रिटन बाय आर के नारायण. ठीक है, नेक्स्ट, द विंसी कोड, द डा विंसी कोड इज रिटन बाय डॉन ब्राउन. नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड इंडियन पोस्टल सर्विस स्टार्ट इन इंडिया? इट वॉज स्टार्टेड इन 1854, ऑप्शन बी. अब इसकी भी कुछ हिस्ट्री है, ठीक है, पोस्टल सर्विसेज की इंडिया के अंदर. देखो, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, दो फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज, पता है क्या कौन सी थी? फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे. ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट टेलीफोन सर्विसेज, बताओ फर्स्ट टेलीफोन सर्विसेज कब हुई थी स्टार्ट इंडिया में? द फर्स्ट टेलीफोन सर्विसेज, इसका आंसर दोगे आप सभी, दैट इट वाज इन होमवर्क. सो इट विल बी योर होमवर्क. ठीक है, और होमवर्क क्या है? फर्स्ट टेलीफोन सर्विसेज इन इंडिया स्टार्टेड इन, बताओगे आप सभी, ठीक है, इन योर होमवर्क और इन योर कमेंट सेक्शन. ठीक है, इसके लेक्चर के कमेंट सेक्शन के अंदर आप इसका आंसर दोगे. नेक्स्ट, कंपनी मेल. तो कंपनी मेल क्या था? सो इट इज इनिशिएटिव बाय वॉरेन हेस्टिंग, इनिशिएटिव बाय वॉरेन हेस्टिंग इन 1766 फॉर पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया. ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया था कंपनी मेल के नाम से वॉरेन हेस्टिंग ने 1766 में. नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट, ये क्या था? इट वॉज 1854 बाय लॉर्ड डेलाउजी अंडर क्राउन. ठीक है, नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया पोस्ट, तो हेडक्वार्टर का है इंडियन पोस्ट ऑफिस का, इंडियन पोस्टल सर्विसेज का, तो इट वॉज इन न्यू दिल्ली. ओके, नेक्स्ट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. Don't forget to like and subscribe our channel. And I want to conclude this video by saying that
दिस विल बी बेनिफिशियल गारंटीडली फॉर योर प्री फॉर योर राष्ट्र मिलिट्री स्कूल्स पेपर दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 18th ऑफ दिसंबर. ओके, यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिलिट्री स्कूल. ओके, एंड फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कैन गो ऑन अवर यूट्यूब चैनल एंड वहां पे आप जीके क्वेश्चंस भी देख सकते हो. वहां पे जो वीडियोस मिलेंगे मैथ्स के भी मिल जाएंगे आपको वहां पे, एंड यू विल ऑल्सो गेट ऑफ द रीजनिंग. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस यू विल ऑल्सो गेट द फ्री टेस्ट सीरीज ऑन अवर टेलीग्राम चैनल. फॉर दैट यू हैव टू डू दिस कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. कहाँ रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा? देखो यूट्यूब चैनल जो है उसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिखा मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट और फ्री टेस्ट सीरीज. आपको वहां जाना है, वहां रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन यू विल गेट द फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दैट विल बी गारंटेडली बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रीवियस इन योर मिलिट्री स्कूल एग्जाम एंड इन योर सैनिक स्कूल एग्जाम. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत. Take free offline mock test every Sunday and evaluate your preparation. For this, visit our academy. Jai Hind.